हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो वापस से टैली प्राइम की है। और आज के इस क्लास में हम बात करेंगे आलियाज की। अब ये आलियाज है क्या, आइए जानते हैं। यहां पर आते हैं। अब ये परचेज अकाउंट ओपन है हमारे पास, तो ये परचेज वाला वाउचर इसको क्लोज करेंगे। थोड़ा सा आ जाते हैं क्रिएट ऑप्शन पर और यहाँ से लेजर क्रिएशन पे आते हैं। तो ये लेजर क्रिएशन है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आलियाज नीचे जो नेम है ठीक उसके नीचे आलियाज मिल रहा है। तो ये आलियाज ऑप्शन है क्या, किस काम में आता है? तो यहां पर मैं लिखता हूं कैपिटल अकाउंट। अगर हमें कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना है तो हम क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट लिखते हैं सिंपली। फिर यहां पर हम एंटर करते हैं, जैसे ही एंटर करते हैं तो आलियाज में आ जाते हैं। अब इस आलियाज का यूज क्या है, कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल को अन्य भाषा में, जैसे कैपिटल का मतलब पूंजी होता है और ये हमारा कैश ही होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। जो कैश हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो यहां पर आप कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस ये लिख सकते हैं इस तरीके से। यानी आलियाज में क्या देना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। अब इसका ग्रुप क्या होगा, आप खुद जानते हैं इसका ग्रुप क्या होगा। जैसे कैपिटल अकाउंट इसका ग्रुप होगा तो आप कैपिटल अकाउंट चूज कर लीजिए, बाकी का काम तो आगे जानते ही आप, इस तरीके से ये हो जाता है। समझ में आई बात। अब इसी तरीके से जब आप स्टॉक आइटम बनाने जाएंगे, स्टॉक आइटम, तो यहां से आप स्टॉक आइटम बना सकते हैं। तो स्टॉक आइटम बनाइए, तो यहां पर जैसे ही आते हैं तो यहां पर मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं सीपीयू। सीपीयू क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है। तो यहां पे आप टाइप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। समझ में आ रही है बात। तो ये आलियाज में उससे रिलेटेड चीजें डाली जाती हैं, ठीक है। और यहां पर आप टाइप कर सकते हैं यूनिट, तो यूनिट बना लेते हैं एनओएस, एनओएस यानी नंबर्स। एंटर करते हैं, यहां पर लिखते हैं नंबर्स कुछ इस तरीके से और एंटर करते हैं, इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो यही तो है आलियाज, आई बात समझ में। ये इस तरीके से ये बन जाएगा। और जब हम एंट्री पास करने जाएंगे, जैसे परचेज वाउचर में ही मान लीजिए हमें एंट्री पास करनी है और एंटर करेंगे, यहां पर अगर आपको कैश में एंट्री पास करनी है तो कैश कर सकते हैं। अगर आप गलत लेजर बनाएंगे, गलत लेजर का उपयोग करेंगे तो यहां पर कैश कभी कभी शो नहीं करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इतना सारे वीडियो बनाने के बाद आप कम से कम लेजर सही बनाएंगे। एंटर करेंगे और इस तरीके से यहां, अब यहां पर क्या होता है, परचेज अकाउंट का लेजर आप बनाते हो। तो देखिए होता क्या है, ये लिखा परचेज और ये लिखा अकाउंट, एंटर किया। अब गलती से इसका ग्रुप आपने कैपिटल अकाउंट रख दिया, अब एंटर किया, इसको एक्सेप्ट कराया। अब यहां पर परचेज अकाउंट आपको शो ही नहीं करता है जबकि आपने बना लिया है। अब प्रॉब्लम यहां पर आती है, आप बाहर आते हैं, सीधा बाहर आ गए और यहां पर जाते हैं अल्टर में जाते हैं तो आपको यहां पर लेजर में जब जाते हैं तो यहां पर तो आपको परचेज अकाउंट दिख ही रहा है, लेकिन यह बात आपके दिमाग में नहीं जाती है कि हमने जो बनाया है लेजर उसका ग्रुप सिलेक्शन गलत कर दिया है, यानी उसका ग्रुप सही से सिलेक्ट नहीं किया है। तो जब भी परचेज अकाउंट का लेजर बनाइए तो ग्रुप जो है परचेज अकाउंट ही आपको रखना है। यहां पर यह चीज समझने वाली है। तो अगर आप ये करेंगे तो आपसे कभी गलतियां नहीं होंगी। खूब प्रैक्टिस करिए ताकि ये गलतियां आपसे ना हो कभी। अब जब हम वही एंट्री पास करेंगे, अब देखिए ये तो हमने सुधार कर दिया इसमें, अब वही एंट्री पास करते हैं जो हम कर रहे थे। तो यहां पर कुछ सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, एंटर किया। यहां पे कैश में ही हम पास करेंगे एंट्री, तो यहां पे एंटर करते हुए यहां पर आए, अब यहां पर कैश कर दिया। अब देखिए यहां पे परचेज अकाउंट नजर आ रहा है, तो आप आसानी से एंट्री पास कर पाएंगे जो भी आपकी एंट्रीज हैं। तो जैसे मान लीजिए सीपीयू की बात है, तो सीपीयू यहां कर लिया हमने और यहां से सीपीयू की बात की, एक सीपीयू 30,000 का है खरीद रेट, तो यहां 30,000 डाल दिया, बस अब तो आने लगा परचेज अकाउंट, अब तो शो कर रहा है। लेजर शो ना करे तो आप ये कर सकते हैं, बाकी आलियाज मैंने बताई दिया। तो आई होप कि बात समझ में आ गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।